हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों देखिए, ये एक स्टैंड फैन का मोटर है देखिए, और ये जो है बिल्कुल चल नहीं रहे यहाँ पे देखिए। ये एक अलुमिनस का स्टैंड फैन है देखिए। इसमें जो स्विच वगैरह होता है नीचे में, तो नीचे जो है बीच में जो है इसका स्विच जो है नहीं दिया गया है। इसको जो है इसका मोटर का साथ ही जो है स्विच को जो है दिया गया है यहाँ पे। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको अगर ज़ोर से इसका हेड को ऊपर मारेंगे तो ये जो है चलने लगता है। ये देखिए, इसमें स्टैंड फैन या टेबल फैन जो भी होता है, इसमें जो इस तरह का डेड कंडीशन का जो प्रॉब्लम आता है, तो इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये देखिए आप सप्लाई दीजिए। सप्लाई दे करके देखिए, ये जो रोटर होता है यहाँ पे शाफ्ट जो होता है, इसको हल्का सा इस तरह से घुमा करके देखिए, या तो मोटर को ऊपर जो है हाथ रख करके देखिएगा, तो थोड़ा सा अगर वाइब्रेशन अगर फील हो रहा है तो आपको समझ लेना कि मोटर के अंदर जो है हमारे सप्लाई जो है पहुँच रहा है। और अगर ये साफ अगर बिल्कुल फ्री घूम रहा है इस तरह से, और सप्लाई देने के बाद ये जो है अगर जाम हो रहा है, तो ये हमारे बूस्ट या साफ का प्रॉब्लम है। मोटर को जो है बूस्ट या साफ जो है ख़राब हो चुका है, हमारे मोटर को जो है घुमा नहीं पा रहा है। अगर सप्लाई देने के बाद भी जो है ये साफ जो है साफ को आप थोड़ा सा हल्का सा घुमाएंगे, घुमाने पर ये घूम रहा है, तो ये हमारे मोटर का अंदर जो है सप्लाई जो है पहुँच नहीं रहा है। इसी वजह से जो है मोटर जो है यहाँ पे चल नहीं रहा है। और एक और प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, आप अपने हाथों से घुमाने पर जो है फैन जो है चलने लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे मोटर के अंदर, तो कैपेसिटर जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इसी वजह से जो है मोटर को स्टार्टअप कर नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में आप जो है कैपेसिटर को अगर चेंज कर देंगे, तो आपके जो फ़ैन है बिल्कुल सही जो है वापस चलने लगेगा। तो ये देखिए, हमारे हमने जो है मोटर का जो कवर है, कवर को हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसने जो तरीका यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे देखिए स्विच जो है इसका हेड के पास जो है लगा के दिया है, जो कि एक रेगुलेटर स्विच है, और नॉर्मल हमारे जो स्टैंड फैन होता है उसमें जो है इसका बॉडी में नीचे होता है, बीच में होता है, 1 2 3 जो भी सिलेक्शन स्विच होता है। तो ये स्विच एक जो है बहुत ही वीक पॉइंट है देखिए, क्योंकि ये स्विच जो है बहुत ही नरम होता है, और ये ज़्यादातर जो है ये शॉर्ट होकर के जो है, या तो गर्म होकर के जो है, जो इसका जो 1 2 3 सिलेक्शन का जो लेक होता है यहाँ पे अंदर, ये ख़राब हो जाता है। तो ये एक चीज़ जो है बेकार इसने दिया है यहाँ पे। बीच में जो बॉडी होता है, बॉडी के बीच में ही जो है जो हमारे नॉर्मल स्विच होता है उसको लगा करके देना था। तो देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हो रेगुलेटर स्विच इसने दिया है यहाँ पे, और इसका कनेक्शन आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा जो हमारे जो हाई स्पीड टेबल फैन होता है उसमें जो लगाते हैं वो रेगुलेटर स्विच यहाँ पे इसने दिया है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन का लूज़ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कनेक्शन को हम थोड़ा सा निकाल करके देखेंगे, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है। तो इस तरह से जो इसका पावर कोट है, पहले आपको पावर कोट को चेक करना है, उसके बाद जो है इसका जो कनेक्शन वगैरह है इसको थोड़ा सा चेक कर लेना है। उसके बाद भी अगर जो है सप्लाई जो है यहाँ तक अगर आ रहा है, उसके बाद भी आपका मोटर जो है, मोटर में कोई भी मूवमेंट अगर नहीं है, तो कोयल का अंदर जो है समस्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मेरा चैनल में जो है वीडियो पड़ा हुआ है, आप आई बटन में जा कर के क्लिक करके भी देख सकते हो उसको कैसे रिपेयर करेंगे कोयल को। कोयल का अंदर एक समस्या होता है, उसको जो है आपको ठीक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कनेक्शन वगैरह बिल्कुल सही है, कोई भी कनेक्शन जो है ख़राब नहीं है। तो ये स्विच को थोड़ा सा नाप करके, सप्लाई पावर कोड को नाप करके देखेंगे, तो ये सीरीज का लैम्प हमने लिया है। देखिए हमारे पावर कोड जो है बिल्कुल सही, यहाँ पे सप्लाई जो है बिल्कुल सही आ रहा है स्विच तक, यानी कि हमारे पावर कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिलेक्शन स्विच को देखेंगे, अगर इसमें से जो है आउटपुट दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आउटपुट अगर नहीं दे रहा है तो हमारे स्विच जो है यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो ये सारे कनेक्शन को भी हमने जो है थोड़ा सा टाइट करके देख लेना है, कहीं लूज़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जो कनेक्शन इसने यहाँ पे बना के दिया है थोड़ा सा सिंपल तरीके से दिया है। तो ये देखिए, जो भी स्क्रू यहाँ पे कनेक्शन का सर लगा हुआ है, सभी को हमने जो है इसको टाइट कर दिया है दोबारा से, थोड़ा सा इसको सिलेक्शन करके देखेंगे। तो ये हमने सिलेक्शन कर लिया, अभी सप्लाई देंगे यहाँ पे। तो
देखिए सीरीज में हमारे बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, यानी कि स्विच से जो है सभी आउटपुट जो है हमको मिल रहा है, जो भी 1, 2, 3 आउट होना था आउट हो रहा है। तो अभी मेन एसी सप्लाई में इसको लगाएंगे। तो देखिए फैन जो है अभी चलने लगा है। तो ये एक बहुत ही घटिया चीज़ इन्होंने जो है ये स्विच जो है यहाँ पे दिया गया है। जो नॉर्मल हमारे स्विचेस होता है जो फैन का बीच में लगा होता है, उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होता है और जो है अच्छी लास्टिंग होता है, और वहाँ पे जो कनेक्शन बनता है स्विच में बहुत ही अच्छी तरह से जो है कनेक्शन जो है बना करके देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रेगुलेटर स्विच जो है लगा करके इसको जो है बेकार कर दिया है। और ये ज़्यादातर आप जो कम 600-700 वाला जो फराटा फैन होता है, टेबल फैन हाई स्पीड जो होता है, उसमें जो है ये स्विच आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर केसों में जो है ये लूज़ कनेक्शन या तो गर्म हो के ये स्विच का जो कनेक्शन है ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।